भाई एक हमारी बॉलीवुड जमात है जो हिंदुत्व विरोधी है और दूसरी तरफ पश्चिम कल्चर और हॉलीवुड हिंदुत्व को अपना रहा है। हॉलीवुड सुपरस्टार ऑस्कर विजेता विल स्मिथ सनातन धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, वो भगवान का पूजन कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व और सनातन धर्म की विरोधी बॉलीवुड सेकुलर जमात शिवलिंग को एक काला पत्थर बता रही है, उस पर दूध दही चढ़ाने से मना कर रही है। वैसे इन हिंदुत्व विरोधियों का भी अब विरोध शुरू हो गया है। बॉलीवुड सेकुलर जमात अब धीरे धीरे अपने पतन की तरफ बढ़ती जा रही है। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस कुछ ऐसा ही हाल है इन बॉलीवुड स्टार्स का और उनकी मूवी का कि लोग अब सनातन विरोधियों का बायकॉट कर रहे हैं। भाई बॉलीवुड ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी खटिया ही खड़ी हो जाएगी और लगातार बॉलीवुड मूवी का बायकॉट करा जाएगा। अब सेकुलर जमात के ठेकेदारों का तो पसीना ही छूट गया है और बेचारों का सब कुछ लुट गया है। चलो कोई नहीं, ऐसा होता है कभी कभी, जब आप ज़्यादा ही हवा में उड़ते हैं तो जनता आपको आपकी औकात दिखा देती है। बस अब वो औकात दिखाने का जो सिलसिला है वो बॉलीवुड के साथ चल रहा है, बेचारों के साथ क्या से क्या हो गया। And the Gita illuminated that trick for me in a way. I was like, how could I be the biggest movie star in the world, be the best at all of this, and you, how you not love me? बॉलीवुड ये देखकर तो हैरान होगा कि एक हॉलीवुड ऑस्कर विजेता सुपरस्टार विल स्मिथ किस तरह से भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये देखकर सेकुलर जमात को गुस्सा तो आया होगा कि हम जिसका अपमान करके पैसा कमाते हैं, भाई उसकी एक ऑस्कर विजेता सुपरस्टार पूजा कर रहा है। यही तो फर्क है इन सेकुलर जमात के लोगों में और भगवान के भक्तों में। भैया अब इस सेकुलर जमात की तो छैया छैया हो गई है। अब ये सारे स्टार तो यही सोच रहे होंगे, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, हमको सजा दी बायकॉट की, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए। अरे भैया तुम सच में ही लुट गए हो, मेरी बात मानो। भैया देखा, बात तो ऐसी है कि तनक थोड़ा ध्यान रखना था ना कि जिस जनता का खाते हैं उसको आंख नहीं दिखाते हैं। बॉलीवुड की रक्षाबंधन की रक्षा कोई नहीं कर सका और अपने खान बाबा की लाल सिंह चड्ढा ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए कमाई के। अब तक की सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया है खान बाबा की फिल्म ने। अबे फिर जवान फिसल गई, माफ़ कीजिए, घाटा कमाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया है। वो क्या है ना कि छोटा मुंह बड़ी बात, पर आप लोग तो समझ ही गए होंगे, ये पब्लिक है भाई, सब जानती है पब्लिक है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।